हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं जो टेस्ट सीरीज है, झारखंड पीजीटी का टेस्ट सीरीज नंबर 4। फ्रेंड्स, जो भी ये वीडियो देखेंगे उन लोगों का 100% है कि उसका एक पोस्ट जो है, आपका जॉब जो है निश्चित है। क्यों? क्योंकि ये जितने सारे मैं यहाँ दे रहे हूँ, ये बिल्कुल आपको 100% कि आपको मैच करेगा ही करेगा, 100% है। इसमें कोई दिक्कत की है ही नहीं, आपको मिल ही जाएगा। इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और न्यू वीडियो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगर करना है ठीक, आपको जॉब लेना है, तो 100% आपका सिक्योर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो पहला क्वेश्चन आप जैसा कि देख रहे हैं, और फ्रेंड्स आप लोग का जो पीजीटी का एडमिट कार्ड जो आने वाला है, आपको 16 दिसंबर से जारी कर दिया जाएगा, वो जेएसएससी के वेबसाइट में। ठीक है फ्रेंड्स, आप वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं अपना सेंटर। ठीक है फ्रेंड्स, आपको 16 दिसंबर से अपलोड कर दिया जाएगा वेबसाइट में, और आप वहां से इजिली डाउनलोड कर सकते हैं और सेंटर देख सकते हैं। आपका एग्ज़ाम 21 से 3 जनवरी तक, 21 दिसंबर से 3 तक है। फ्रेंड्स, मैं ऐसे तैसे बात नहीं करता हूँ, जो भी बात बोलता हूँ वो 100% श्योर रहता है। इसलिए आप लोग घबराइएगा मत, आप लोग का 100% आपका जो है सिक्योर है। आप लोग क्या दीजिएगा नौकरी लगने के बाद, आप क्या प्रोवाइड कीजिएगा मेरे लिए, आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे। आपका तो बोल दे रहे हैं, आपका जो है, आपका हाथ में हो गया है आपका जॉब। अगर हम 30, 15 यानी 20 वीडियो हम आपको बना के दे देंगे, तो 100% एक आपका श्योर है जॉब। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं ऐसे बना रहे हैं, और आप लोग जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस एंड ऑन द प्रोसीडिंग्स इन सर्टेन साइंट सोसाइटीज इन लंदन रिलेटिव टू दैट इवेंट पब्लिश्ड इन 1790 वाज द वर्क ऑफ। आपका ऑप्शन क्या होगा? देखिए, गिबन, ब्रूक, कॉलेरिज, पेन। तो आपका आंसर है, बताइए जल्दी, ब्रूक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉल ऑफ द प्रिजन ऑफ वेकफील्ड या वेकफाइल दैट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर्ड ऑन। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? आपको ऑप्शन है जून 14 1789, जून 14 1790, जून 14 1789, एंड जून 14 1789। तो आपका ऑप्शन सही होता है जून 14 1789। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग देखिए, मैन इज बॉर्न फ्री बट अलास ही इज एवरी, क्या फ्रेंड्स, एवरी ही इज एवरीवेयर इन द सेंस। सो दीज आर द फेमस वर्ड्स ऑफ, पायलट का है, सुकरात का है, होप्स का है और रूसो का है, जिसको रूस बोलते हैं, रूसो का। तो आपका आंसर कहाँ जाता है? तो आपका आंसर है रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रॉट द ओड टू फ्रेंड्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन, कॉलेरिज, ब्लेक, सेली, बायरन। आपका आंसर जाता है कॉलेरिज, यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ हिज पोएम्स सेली डिनाउंसेस ऑल द फोर्सेस ऑफ टायरनी एंड ऑपरेशन रिपीटेड बाय किंग्स एंड प्रेस्ट। ऑप्शन है एलास्टर, क्विंग मॉब, मेब,
एडोनाइज एंड द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। तो आपका आंसर है डी, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। नेक्स्ट प्रश्न है, ओ विंड, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, दिस फेमस वर्ड्स ऑफ शैली हैव बीन टेकन फ्रॉम। आपका ऑप्शन है द क्लाउड, द क्या ऑड टू वेस्ट विंड, इजाबेला और द ईव ऑफ सेंट एग्नेस। आपका ऑप्शन जाता है ऑड टू वेस्ट विंड, ऑड टू वेस्ट विंड। नेक्स्ट प्रश्न है, दाओ किड्स वॉज द लिस्ट अफेक्टेड बाय द फ्रेंच रिवोल्यूशन डायरेक्टली, विच ऑफ हिज वर्क्स हैज बीन सेड टू बी बियरिंग रिवोल्यूशनरी इम्प्लीकेशंस। ऑप्शन है ओ टू एटम, एंडी मियन, हाइपेरियन एंड साइकी। तो आपका ऑप्शन जाता है सी नंबर, हाइपेरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोंगर हिल, ए पीस ऑफ विग्नोरस लैंडस्केप पेंटिंग वॉज रिटन बाय द प्री रोमांटिक पोएट जेम्स थॉमसन, जोहन डायर एंड लेन लेडी विंसिल विंसिल हाँ विंसिल सी थॉमस थॉमस पुरवेल। क्या है? थॉमस परुवेल परुवेल। तो आपका ऑप्शन जाता है जॉन डायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, वर्ड्सवर्थ हैज डिस्क्राइब वेरियस स्टेज ऑफ हिज एसोसिएशन विथ नेचर, इन विच स्टेज डिड ही हियर द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। आपका ऑप्शन है वॉइस स्टेज, द इनिशियल स्टेज, द फाइनल स्टेज, द ऑल द स्टेजेस। ऑप्शन आपको जाएगा फाइनल स्टेज, यानी ऑप्शन नंबर सी है, द फाइनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ हिज पोएम्स वर्ड्सवर्थ टेल्स द स्कॉलर टू डू वे विथ बुक्स एंड मेक नेचर हिज टीचर। तो आपका ऑप्शन है टेबल टर्न्ड टिंटर्न अवे, द सोलिटरी रीपर, द प्रिल्यूड। आपका प्रिल्यूड, आपका आंसर कहाँ जाता है? दैट मीन्स टेबल्स टर्न्ड। नेक्स्ट प्रश्न है, हु यूजेस द पेंसिल्स एज द सिंबल सेड थॉट्स एंड वायलेट्स ऑफ मोडेस्टी एंड इनोसियंस इन ऑन ऑफ हिज पोएम्स, वर्ड्सवर्थ, कॉलेरिज, केट्स, सैली। आपका आंसर है सैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड इट इज माई फेथ दैट एवरी फ्लावर्स इंजॉय द एयर इट ब्रीथ्स, हु होल्ड्स दिस फेथ। तो आपका यहाँ किसके जाएगा? तो आपका वर्ड्सवर्थ है, कॉलेरिज है, केट्स है, सैली है। तो आपका प्रश्न कहाँ जाएगा? आपका जाएगा वर्ड्सवर्थ में। ओके फ्रेंड्स, तो आइए फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन देखते हैं, 13 का। 13 क्वेश्चन है, व्हाट हैज बीन एड्रेस्ड एज ए क्लाउड ऑफ फायर एंड अनएम्बॉडीड जॉय, ए गोल्डन ग्लोवर्म, ए रोज इम्पावर्ड इन ग्रीन लीव्स एंड ए पॉइंट हिडन इन द लाइट ऑफ थाउट। आपका ऑप्शन किस में जाएगा? तो आपका ऑप्शन है स्काई लार्क। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, हु हैज बीन सेड टू कंबाइन पैंथिज्म एंड पाल्टोनिज्म इन हिज नेचर पोएट्री। यहाँ पे आर छुटा हुआ है, आर ई, ठीक है, नेचर पोएट्री। कीट्स, सैली, बायरन, कोलेरिज। आपका आंसर है सैली। नेक्स्ट प्रश्न है, सैली राइट्स इन
सैली राइट्स इन क्या है? सैली राइट्स इन ओके थोड़ा सा सैली राइट्स इन एडोनाइज अ पर्सन ऑफ द लोनली लवनलीनेस विच वन ही मेड मोर लवली सो हु डज ही रिफर टू इन दिस लाइन हिमसेल्फ किट्स वर्डवर्थ वर्ड्सवर्थ एंड कोलेरिज तो आपका ऑप्शन जाएगा किट्स ओके फ्रेंड्स किट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द नेचर पॉइंट्स हैज बीन सदी टू बी इन इंडाउड विद ऑर्गेनिक सेंसिबिलिटी आपका आंसर जाएगा किसमें जाएगा वर्ड्सवर्थ कॉलेरिज सेली एंड किट्स आपका आंसर जाएगा किट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है सो हु रॉट द आइजले ठीक है आइजलेस ऑफ ग्रीस ए फाइन एप्रिसिएशन ऑफ द ग्रेट डीड्स डन बाय द ग्रीक्स इन द पास्ट बायरन सेली किट्स लीहंट आपका आंसर होगा बायरन ठीक है बायरन नेक्स्ट क्वेश्चन है सो हुम डज द ग्रीक गॉड पेन फाइट विथ इन सेलीज हिम ऑफ पेन तो टाइटेन टाइटेनस या टाइटन्स है ना टाइटन्स अपोलो जेन जियस ऑल ऑफ द अबव तो आपका आंसर है अपोलो नेक्स्ट प्रश्न क्या है हेलस हेलस ए फ्रीक्वेंटली थीम इज रोमांटिक पीरियड इन ए ग्रीक गॉड एंशियंट ग्रीक स्कल्प्टर द ओल्डेस्ट पॉइंट ऑफ ग्रीस एंड द एंशियंट नेम ऑफ ग्रीस तो ओल्डेस्ट पॉइंट आपका आंसर हो जाएगा एंशियंट ठीक है द एंशियंट नेम ऑफ ग्रीस यानी ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ किट्स बियर्स द मार्क ऑफ हेलेनिज्म हेलेनिज्म तो आपका ऑप्शन है एंडिमियम एंड हाइपरियन लेमिया एंड ग्रीसियन अर्न ऑट नाइटिंगल एंड साइकी ऑल ऑफ दिस तो आपका आंसर जाएगा ऑल ऑफ दिस नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इम्पोर्टेंट वायलेट कलेक्शन ऑफ द 18th सेंचुरी वॉज रेलिंग्स ऑफ द एंशियंट इंग्लिश पोएट्री हु मेड दिस एडमायरेबल कलेक्शन थॉमस चैटर्टन चैटर्टन एंड रॉले बिशप पार्सी जेम्स मैक मैकफे हाँ मैकफर्सन ओके आपका आंसर जाएगा बिशप पार्सी नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओसे ओसिनियन ठीक है ओसिया ओशियनिक पोएम्स विच एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ सेल्टिक एंटीक्विटी वाज रिटन बाय बिशप पार्सी बायरन मैकफेरसन कॉलेरिज आंसर है आपका मैकफेरसन या मैकफेरसन ठीक है फेरसन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन पर ठीक है पोरफायरो एंड मेडलिन वाज सॉरी वह आर द लवर्स इन ला बेला डम से सेंट मर्सी द ईव ऑफ सेंट एग्नेस ईव ऑफ सेंट मार्क और इजाबेला आंसर जाएगा आपका बी नंबर द ईव ऑफ सेंट एग्नेस नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आज
कॉल्ड बाय किड्स ए इगोस्टिकल सबलाइन। तो वर्डवर्थ है, शैली है, बायरन, कॉलेरिज, तो आपका ऑप्शन देख लिए हैं, वर्ड्सवर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज एगो क्वीन विक्टोरिया व्हेन सी रोज टू द थ्रोन, यानी उसका एज क्या था। यहाँ एगो नहीं है, एज होगा। व्हाट वाज द एज ऑफ विक्टोरिया, इस तरीके से, व्हाट वाज द एज ऑफ क्वीन विक्टोरिया व्हेन सी रोज टू द थ्रोन। तो आपका सी नंबर 18 साल था। नेक्स्ट प्रश्न है, सो व्हेन वाज डार्विन्स ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पब्लिश्ड, तो 1859। नेक्स्ट प्रश्न है, इन 1830 टेनिसन पब्लिश्ड हिज फर्स्ट कनेक्शन ऑफ पोएम इंटाइटल्ड पोएम्स 1830, पोएम्स चीफली लिरिकल ड्रामेटिस्ट लिरिक्स एंड द प्रिंसेस। आपका ऑप्शन है पोएम्स चीफली लिरिकल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ वन हेरोज एंड हीरो वर्शिप। तो आपका ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी है, कार्लिली। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इन विच ऑफ द नॉवेल्स ऑफ डिकेंस द प्रोटैगनिस्ट रिमेम्बर्स हाउ ही हैड बीन ए चाइल्ड। ठीक है, ए चाइल्ड टॉम जोन्स ए हार्मलेस क्रिएचर इन हिज बॉयहुड। आपका ग्रेट एक्सपेक्टेशन, हार्ड टाइम, पिकविक पेपर्स, डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड आपका आंसर है डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठाकरे ठाकरे कंप्लेंट इन इन द प्रीफेस टू और प्रीफेस टू ठीक है प्रीफेस टू और क्या प्रीफेस टू वन ऑफ द होगा। ठीक है, प्रीफेस टू वन ऑफ द हिज नॉवल्स दैट सीन्स द ऑथर ऑफ टॉम जोन्स वॉज बरीड, नो राइटर ऑफ फिक्शन अमंग अस हैज बीन परमिटेड टू डिपिक्ट टू हिज एटमोस्ट पावर ए मैन नेम द नोबल। तो आपका नाम क्या होगा नोबल का नाम, तो आपका चार ऑप्शन, द रोज ऑफ द रिंग, पांडेनिस, वेनिटी फेयर और थ्री थ्री जॉर्जेस। तो आपका आंसर जाएगा पेंडेनिस, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच नोबल ऑफ डिकेंस सर लीसेस्टर डेडलॉक अपीयर्स, डेविड कॉपरफील्ड, हार्ड टाइम्स और ए टेल ऑफ टू सिटीज ब्लिक हाउस। आपका आंसर है डेविड कॉपरफील्ड। नेक्स्ट प्रश्न है, मिस्टर ब्रूक फेल्स टू गेट हिमसेल्फ इलेक्टेड टू द न्यू पार्लियामेंट इन। तो आपका मिडिल आपका क्या हो जाएगा, पिकविक पेपर्स, मिडिल मार्क्स, सिलास मार्नर एंड ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। आपका होगा पिकविक पेपर, नेक्स्ट है पिकविक पेपर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द वर्क्स ऑफ कार्लिली डू वी फाइंड ए ऑथराइजिंग जर्मन सेंट्रल करेक्टर विथ ए मेडिएटिंग एंड एक्सप्लिसिटली इंग्लिश एडिटर। आपका ऑप्शन किस में जाएगा, देखिए ऑप्शन आपका है सर्टर सर्टर री सर्टर री सर्ट सा, हाँ सार्टर और री सार्टस लिव एंड एक्लर। ठीक है, एक्लर, फ्लेक्स फ्लेक्स फेलिक्स हॉल्ट, पास्ट एंड प्रेजेंट। आपका ऑप्शन है सार्टर री सार्टस। नेक्स्ट है डिकेंस ए टेल ऑफ टू सिटीज शोज कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑफ कार्लिस। तो आप कार्लिस का क्या है सर सर्टर री सर्टस
फ्रेंच रेगुलेशन पास्ट एंड प्रेजेंट एंड नॉन ऑफ दिस. आपका आंसर है सार्टर रिसार्टस, ए नंबर. नेक्स्ट है डिकेंस फर्स्ट फुल स्केल वर्क ऑफ फिक्शन वाज, स्केच बाय बॉज, पिकविक पेपर, निकोलस निकोलवे, या एल बी वाई होगा निकोलवे, ठीक है. मास्टर हम फेरिस क्लॉक. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर स्केचेस बाय बॉज. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए. 100% आपका श्योर है, सिक्योरिटी है कि हम इतने सारे वीडियो के बाद आपको निश्चित है आपका सिलेक्शन है. व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ डिक, ठीक है, यहाँ होगा डिकेंस होगा, ठीक है, डिकेंस ऑलिवर ट्विस्ट. डिकेंस का ऑलिवर ट्विस्ट का सबटाइटल क्या है? तो पहला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में पस्थुमॉस, ठीक है, पस्थुमॉस पेपर, ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप एंड द पेरिस बॉयज प्रोग्रेस और आवर म्यूचुअल फ्रेंड. तो आपका आंसर नंबर सी है, पेरिस बॉयज प्रोग्रेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिकेंस डिकेंस यूनिक, ठीक है, डिकेंस यूनिकली ट्रांसफर्ड हिज कंसर्न विद द मॉडर्न कंडीशन ऑफ इंग्लैंड आउट ऑफ इंग्लैंड इन हिज सशिंक्ट एंड ऑफन बिटर सेटायर ऑन द इफेक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द नॉर्दर्न इंग्लैंड नेम्ड. आपको नाम दिया हुआ है, चार ऑप्शन है, देखिए क्या है. ओलिवर ट्विस्ट, द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूथ, मतलब ड्रूड, हार्ड टाइम्स एंड लिटिल डोरिट. ऑप्शन नंबर आपका हार्ड टाइम्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज डिकेंस लास्ट वर्क एंड अनफिनिशेबल ऑब्सेसिव मिस्ट्री स्टोरी. देखिए आवर म्यूचुअल फ्रेंड, माई द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड, डेविड कॉपरफील्ड एंड ए टेल ऑफ टू सिटीज. आपको डेविड, आपका हो जाएगा मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूथ, अनफिनिश्ड नॉवल है, ठीक है. नेक्स्ट नेक्स्ट है मैरी बर्टन, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैरी बर्टन, तो मैरी बर्टन विच ड्रामेटाइज्ड द अर्बन इल्स ऑफ द लेट 1840 सेंचुरी एंड एरा मार्क्ड बाय इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट वाज रिटन बाय हैरियट, देखिए हैरियट मार्टिन मार्टिन्यू कार्लिली ट्रोलोफ एलिजाबेथ गास्केल. तो आपका हो जाएगा आंसर एलिजाबेथ गास्केल. नेक्स्ट प्रश्न है मार्गरेट हॉल इज द सेंट्रल ओमेन कैरेक्टर इन गास्केल्स. देखिए गास्केल का है सिल्वियस लवर्स, क्रेंटफोर्ड, नॉर्थ एंड साउथ. तो आपका और नेक्स्ट है रूथ. तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेल्वियस नहीं, आपका ऑप्शन है नॉर्थ एंड साउथ. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग नॉवल्स बाय गास्केल इज सेट एट द टाइम ऑफ नेपोलियनिक वार्स एंड इट्स प्लॉट हिंग्स, ठीक है, हिंग्स ऑन द डिसअपीयरेंस ऑफ लवर विच, मतलब हु इज कैरिज ऑफ बाय ए प्रेस गैंग इनफोर्सिंग रिक्वायरमेंट, ठीक है, रिक्रूटमेंट इनटू द नेवी. ऑप्शन है हमारा
सेलिवस लवर्स वाइफ्स एंड डॉटर्स कैन फॉर्ड मैरी बर्टन। आपका आंसर है सेलिवस लवर, सेल सेली, ठीक है, नहीं सिल या पढ़ाएगा इसका सिल दीवार, सिल दीवार लवर्स, ऑप्शन यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यट, क्या है यट्स होगा है ना, यट्स, चलो यट्स, यर्स, ए प्रॉब्लम, ठीक है, ए प्रॉब्लम सीरियलाइज्ड इन फ्रेजर्स मैगजीन वाज रिटन बाय, तो आपका होगा दिस दिस राइली गास्केल किंग्स किंग्स हाँ किंग्सले डिकेंस, तो आपका आंसर हो जाए किंग्सले। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज ईयरली नॉवल सच एज विवियन ग्रे द यंग ड्यूक एंड कंटरिनी फ्लेमिंग एंड अलरे हैव बीन सेटराइज्ड एज सिल्वर फॉक फिक्शन बाय डिकेंस इन निकोलस निकोलबे, तो आपका ऑप्शन है किंग्सले, गास्केल, ठाकरे और दिस, क्या है दिसरायली, तो आपका ऑप्शन होगा दिसरायली। नेक्स्ट प्रश्न है इन विच ऑफ द फ्लोइंग नॉवल्स बाय दिसरायली द ओपिनियंस ऑफ द सुपर सोफिस्टिकेटेड मल्टी कुलेटेड जियो एंड सिडोनिया इन मेरी मैनी अवेज प्रोवाइड द क्लू टू द क्वालिटी ऑफ दिसरायलीज वन आर्गूमेंट्स, आपका ऑप्शन है यहाँ द यंग ड्यूक सिविल और टू नेशंस। नेक्स्ट है यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है कनिंग हाँ कनिंग्स बाय और द, यहाँ द होगा द न्यू जनरेशन एंड टेन क्रेड हाँ टेन क्रेड और द न्यू क्रूसेड, ऑप्शन हो जाएगा आपका द न्यू जनरेशन। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड एज मोन्यूमेंटल वर्क इन 5 वॉल्यूम्स वाज पब्लिश्ड बिटवीन 1848 टू 1861, दिस क्या दिसरायली एंड कार्लेली किंग्सले मैकाउले मैकाउले, आपका आंसर हो जाएगा मैकाउले, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। ओके नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है बेकी शार्प एंड एमेलियन सैडली आर करेक्टर्स फ्रॉम द ठाकरेज वेनिटी फायर वेनिटी फेयर, क्या है वेनिटी फेयर फेयर द हिस्ट्री ऑफ हेनरी इसमोंड एडवेंचर्स ऑफ फिलिप फिलिप एंड बुक ऑफ स्नोफ, आपका आंसर जाएगा वेनिटी फायर वेनिटी फेयर सॉरी वेनिटी फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द ठाकरेज नॉवल्स द प्रोटैगनिस्ट इज एन इंडियन आर्मी ऑफिसर, तो हेनरी इसमोंड पांडे हेनरी इसमोंड, नेक्स्ट है पांडेनियस अर्दा न्यू कॉमर्स वेनिटी फायर, आपका ऑप्शन किस में जाएगा इंडियन आर्मी फायर, तो आपका न्यू कॉमर्स में हाँ न्यू कॉमर्स जाएगा, ठीक है द न्यू कॉमर्स। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ हिज नॉवल्स ट्रोलोफ कैरी कैप्चर्ड हिज मदर एज ए जेंटिल सब्सक्राइबलर लेडी कारबरी डॉक्टर थॉर्न ला हाँ ला बेंडी हेरनी इसमोंड और द वे वी लिव नाउ, तो आपका ऑप्शन होगा द वे वी लिव नाउ। नेक्स्ट है क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लाइंग इज नॉट ए नॉवल बाय
ट्रॉलॉफ कैन वी फॉरगिव हर द यू हाँ यू स्टेन्स डायमंड्स फिनिशियस फिनिशियस फिन्स द प्रोफेसर, आपका ऑप्शन हो जाएगा प्रोफेसर, द प्रोफेसर। नेक्स्ट नेक्स्ट है इन चार्लोट ब्रॉन्टेज जेन जेन आयर और जेन रिजेक्ट द प्रपोजल ऑफ रोचेस्टर सेंट जॉन रिवर्स पैट्रिक एंड बोथ बोथ ए एंड बी, आपका ऑप्शन होगा डी नंबर, यानी ए भी है और पैट्रिक भी है, दोनों हैं। तो आपको रोचेस्टर भी बोलते हैं, रोचेस्टर और पैट्रिक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ जेन जेन आयर ऑफ द चार्लोट ब्रोंटे, और यहाँ क्या हो जाएगा द अनफॉर्चुनेट द ऑटोबायोग्राफी एंड द इंडिपेंडेंट ओमेन, इंडिपेंडेंट ओमेन एंड नॉन ऑफ दिस, ऑप्शन आपका सही होगा एन ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है हु इज द नरेटर इन द चार्लस विलेट, चार्लोट ठीक है चार्लोट विलेट में कौन है करेक्ट नरेटर, लक्सी सनोवी नेली और सिरले किल्डर हेलेन ग्राहम, तो आपका ऑप्शन नंबर ए है, दिख गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओफन इम्परसिपिएंट वुड बी मीन हाँ मिस एंथ्रोपी लॉकवुड इज द प्राइमरी नरेटर इन जेन आयर, ठीक है जेन आयर द टेनेंट टेनेंट विल्डफेल हॉल एग्नेस ग्रे वेदरिंग हाइट्स, आपका ऑप्शन है वेदरिंग हाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेनिसन्स इन मेमोरियम एक्सप्रेसेस हिज डीप सेंस ऑफ बी बिरीवमेंट एट द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड एंड क्रिटिक मैथ्यू आर्नोल्ड आर्थर हेलम एंड सविनबर्न एंड क्रिस्टीना रोजेटी रोजेटी, आपका ऑप्शन है आर्थर हेलम हेलम। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज वर्लैंडर टॉकिंग टू इन द वर्चर्ड एट द ओपनिंग ऑफ द प्ले हिज फादर एडम ओलिवर जैक, तो अभी ऑप्शन है आपका एडम। नेक्स्ट है हु इज द फादर ऑफ ऑर्लैंडो एंड ओलिवर हु रिसेंटली पास्ड अवे, सर एडम ड्यूक सीनियर और सर रॉलेंड एंड ड्यूक फ्रेडरिक, आपका ऑप्शन है सी यानी सर रॉलेंड। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी क्राउन्स इज ऑर्लैंडो लेफ्ट बाय हिज लेट फादर, 2000 पहला 2000 दूसरा 2500 तीसरा 1500 और चौथा 1000, तो ऑप्शन है आपका 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर व्हाट डिज ऑर्लैंडोस फादर इंटेंड द क्राउन्स टू गो टूवर्ड्स, ऑर्लैंडोस वेडिंग ऑर्लैंडोस एजुकेशन ऑर्लैंडोस मिलिट्री ट्रेनिंग ऑर्लैंडोस हाउस, ऑप्शन नंबर आपका बी है ऑर्लैंडोस एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका होम डज ऑलिवर फाइनेंशियली सपोर्ट इंस्टीड ऑफ सपोर्टिंग ऑर्लैंडो, डेनिस डेनिस चार हाँ चार्ल्स एडम और जैक्स, ऑप्शन नंबर डी जैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन रेफर्ड टू एज द हाइस्ट प्रिस्ट ऑफ रोमांटिकिज्म, तो आपका ऑप्शन वर्ड्सवर्थ किट्स ब्लेक कोलेरिज, तो वर्ड्स आपका ऑप्शन है डी कोलेरिज। नेक्स्ट ठीक है कोलेरिज है। नेक्स्ट है आपका इन विच ऑफ हिज पोएम्स कोलेरिज रॉट
ओ लेडी, वी रिसीव बट वाट वी गिव एंड इन आवर लाइफ एलोन डज नेचर लिव। कुबला खान, द एंशियंट मार्लर, क्रिस्टाबेल एंड द डिजेक्शन ऑड। तो आपका हो जाएगा डिजेक्शन ऑड। डिजेक्शन ऑड। नेक्स्ट है ए बडन, क्या है ए बडन, बंडन बडन टी, ए बन बंडन टी एंड एन एनसेंटिंगली सेंसुअस दिस फ्रेज वॉज एट्रीब्यूटेड टू द किड्स बाय शैली लिहंट एर्नोल्ड इलियट। आपका ऑप्शन हो जाएगा एर्नोल्ड। नेक्स्ट है ब्यूटी इज अ ट्रूथ एंड ट्रूथ इज अ ब्यूटी दैट इज ऑल ये नाउ ऑन द अर्थ, ऑन अर्थ दैट्स वेल ये नीड टू नो दिस फेमस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम वन ऑफ द फेमस ऑड्स ऑफ किड्स नेम इट ऑड नाइटिंगल ऑड। ठीक है ऑड ऑड ऑन ग्रेस ग्रेसियन अर्न। और नेक्स्ट है ऑड टू एटम एंड ऑड टू साइकी। तो आपका आंसर होगा ग्रेसियन, यानी आपका बी आंसर है ऑड ऑड ऑन ए ग्रेसियन अर्न। ठीक है अर्न में होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन प्रायर, प्रायर टू किड्स हु इल्स वाज एंडोमेंट ऑफ व्हाट हैज बीन कॉल्ड द नेगेटिव कैपेबिलिटी। वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, स्पेंसर और शेक्सपियर। आपका आंसर होगा हाँ शेक्सपियर। नेक्स्ट है क्या है शेक्सपियर होगा। ठीक है शेक्सपियर। नेक्स्ट रिगार्डिंग रिगार्डिंग होम डज सिंबल्स राइट इन नॉन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट कंटेम्प्रोरीज वाज द लिरिकल फॉक लिरिकल फैकल्टीज ऑफ पारामाउंट माउंट प्रामाउंट। ठीक है पारामाउंट। तो किट्स है, स्पेंसर है, सैली है, कोलेरीज है। आपका आंसर है क्या है सैली होगा। ठीक है आपका आंसर सैली है। नेक्स्ट प्रश्न है हु फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्क्रिमिनेटेड बिटवीन इमेजिनेशन एंड फैंसी। विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर, कोलेरिज, जॉन केट्स। यहाँ क्या बोला है फर्स्ट। ठीक है फर्स्ट टाइम, तो आप विलियम वर्ड्सवर्थ की ओर जाएंगे, वर्ड्सवर्थ की ओर, यानी आपको नंबर बी है विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैव जनरेशंस ऑफ ब्रेंगवेंस लिव्ड। एडिनबर्ग, इंग्लैंड एंड ब्रेंगवेन रांच और द मार्स फार्म। आपका ऑप्शन है द मार्स फार्म। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द रीजन टॉम ब्रेंगवेंस वाइफ बिलीव द विकार्स चिल्ड्रेन आर सीन एज सुपीरियर टू हर ऑन। किसमें एजुकेशन एक्सपीरियंस, क्लास एंड वर्चू, वेल्थ एंड पावर, इनहेरिटेंस एंड मनी। आपका ऑप्शन है ए एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड हैपन टू द वोमेन ऑफ कोसेथी इफ द विकार लॉर्ड विलियम एंड मिसेस हार्डी वर टेकन अवे फ्रॉम देम। दे वुड फील लेस इंटिमिडेटेड। ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर टू, दे वुड बी हैप्पी। इस तरीके से अनइंस्पायर्ड एंड हेटफुल। तो आपका आंसर हो जाएगा अनइंस्पायर्ड एंड हेटफुल, मतलब हेटफुल। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है, आप इधर देख लीजिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डज द टाउन ऑफ कोसिथी ग्रो क्विकली एंड मेकिंग द ब्रेंगवेंस रिचर। तो ऑप्शन नंबर है द मिडलैंड रेलवे कम्स डाउन द वैली, द टाउन ऑफर्स पब्लिक एजुकेशन, देयर इज ए गोल्ड रश
और फोर्थ ऑप्शन है मोर पीपल, ठीक है, मोर पीपल आर गेटिंग मैरिड एंड हैविंग चिल्ड्रेन। ऑप्शन नंबर आपका ए है, द मिडलैंड रेलवे रेलवे कम्स डाउन द वैली। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, हाउ सक्सेसफुल इज टॉम ब्रेंगवेन एट हिज स्कूल स्टडीज। तो ही इज, पहला ऑप्शन ही इज द बेस्ट लीडर इन क्लास इन द क्लास एंड ही, नेक्स्ट है ही इज एट द टॉप ऑफ हिज क्लास इन मैथमेटिक्स एंड हिज ब्रेन इज स्लो होपलेस एंड गुड फॉर मॉर्निंग। और नेक्स्ट ऑप्शन है ही इज एबव एबव एब हाँ एबव एवरेज इन ऑल हिज स्टडी। आपका ऑप्शन नंबर क्या है, आपका ऑप्शन नंबर सी है, एंड हिज ब्रेन इज स्लो एंड होपलेस एंड गुड फॉर नथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, आप आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। व्हाई डज द केयर ऑफ द फार्म फॉल ऑपन द टॉम्स शोल्डर्स व्हेन ही इज 18, जब 18 साल के था। तो ऑप्शन है हिज फादर अल्फ्रेड टेल्स हिम होगा, टेल्स हिम एंड ही हैज टू डू फार्मिंग। हिज फादर फॉल्स ऑफ द स्टेक एंड ब्रेकिंग हिज नेक। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट, वेन डू एपी एंड टॉम बिगिन फियर्सली क्वारलिंग विद इज अदर। क्या है ऑप्शन, ऑप्शन है आफ्टर द डेथ ऑफ देयर मदर, वे नेक्स्ट है वेन टॉम गेट्स बैक फ्रॉम स्कूल एंड सिक्स, सी है आफ्टर देयर फादर ब्रेक्स हिज नेक, एंड फोर्थ है वेन इपी एपी बोलो एपी बिकम्स एंगेज्ड। तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए आफ्टर द, ऑप्शन नंबर ए है आफ्टर द डेथ ऑफ देयर मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डू यहाँ नेक्स्ट 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 क्वेश्चन है व्हेन वाज जूड द ऑब्स्क्योर फर्स्ट पब्लिश्ड, 2006, 1936, 1996, 1896 और 1996। आपका आंसर नंबर सी है 1896। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट जॉब डज मिस्टर फिलोटसन हैव व्हेन ही इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इनटू द टेक्स्ट। बचर है, बैंकर है, मायर है और स्कूल मास्टर है। आपका स्कूल मास्टर राइट आंसर है। नेक्स्ट, वेयर डज द नोवल फर्स्ट टेक प्लेस व्हेन इट्स बिगिंस, पेरिस है, मैरी ग्रीन है, क्रिस्टमिंस्टर है, लंदन है। आपका आंसर है बी मैरी ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज जूड्स फुल नेम, जूड का पूरा नाम क्या है, जूड फंटन, जूड फ्लोटसन एंड जूड फाउले, तो इसका नाम है जूड फाउले। नेक्स्ट आंसर है, मतलब क्वेश्चन है व्हेन इज जूड गोइंग टू स्कूल व्हेन द नोवेल फर्स्ट बिगिंस, नोवेल शुरू होता है इन द मॉर्निंग एट नाइट। आपका आंसर है एट नाइट, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस डज जूड्स आंट रन, ए हॉस्पिटल, ए बेकरी, ए पब और ए लाइब्रेरी लाइब्रेरी, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी है ए बेकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ, वेयर डू जूड एंड हिज आंट लिव व्हेन ही इज यंग, तो ऑप्शन है दे ड्रिफ्ट फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस एंड इन बेकरी एंड इन चर्च बेसमेंट एंड इन द बैक हाउस ऑफ समवंस फार्म। आपका आंसर नंबर बी है इन बेकरी, इन द बेकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग आफ्टर हिज फादर्स डेथ इज डेविड बॉर्न,
पहला है फॉर मंथ, वन वन डे बी में, और सी में है 2 वीक, और डी में है 6 मंथ। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6 मंथ, डी वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट डेविड्स बर्थ ऑफेंस हिज ग्रेट आंट मिस बैट्सी ट्रॉटहुड। ऑप्शन है, डेविड क्राइज व्हेन मिस बैट्सी होल्ड्स हिम एंड द फैक्ट दैट ही इज नॉट ए गर्ल, एंड नेक्स्ट ऑप्शन है द फैक्ट दैट ही इज अगली, एंड नेक्स्ट है हिज मदर आस्क मिस बैट्सी टू लीव। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है? बी आंसर राइट है, द फैक्ट दैट ही इज नॉट ए गर्ल। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिगिंस टू कॉट डेविड्स मदर, कॉट डेविड्स मदर, मिस्टर मिस्टर क्रिकल, मिस्टर मिकावर, और मिस्टर कॉपरफील्ड, और मिस्टर मॉडस्टोन। आपका आंसर है मॉडस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज पीगोटी ऑब्जेक्ट टू, डेविड गोइंग टू स्कूल, आगे है मिस्टर मॉडस्टोन, कॉटलिंग, हाँ ठीक है, कॉटिंग कॉटिंग डेविड्स मदर, एंड नेक्स्ट है वर्किंग लेट, और मिस बैट्सी मूविंग इन। आपका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज डेविड गो टू, यहाँ होगा ईयर माउथ होगा, ठीक है, गो टू ईयर माउथ, सो टू गो टू स्कूल, टू विजिट पेगोटीज फैमिली, एंड टू विजिट हिज आंट, एंड टू फाइंड ए वाइफ। तो आपका ऑप्शन नंबर है विजिट हिज आंट। नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंस, क्या है यहाँ, क्या था ईयर माउथ? आपका बी आंसर है, विजिट ईयर माउथ है, ठीक है, ईयर माउथ यानी बेड पेगोटीज फैमिली रहते हैं वहाँ, विजिट करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हाइल डेविड इज इन ईयर माउथ विद पेगोटी, तो हिज आंट डाइज, हिज मदर मैरिज मिस्टर मडस्टोन, एंड हिज मदर हैज बेबी, हैज ए बेबी, एंड ही गेट्स अ सीक। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है, हिज मदर मैरिज 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 मिस्टर मडस्टोन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ स्टेप फादर इज मिस्टर मडस्टोन, काइंड है, जेनरस है, स्ट्रिक्ट है, लविंग है। आपका ऑप्शन नंबर सी है, स्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज असिस्टेंस डज द नरेटर आस्क फॉर इन द रिटेलिंग ऑफ द स्टोरी, गैब्रियल है, गैब्रियल है, द हेवेनली म्यूज है, एंड गॉड है, जीसस है। आपका ऑप्शन नंबर हेवेनली म्यूज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी है राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टोरी मीन टू एक्सप्लोर, सैटन एविल, गॉड्स विल टू मैन, एंड गॉड गुड एंड एविल, एंड द लाइफ इज नॉट इजी। आपका ऑप्शन नंबर बी है, गॉड्स विल एंड विल टू मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई वाज सैटन कास्ट आउट ऑफ हेवन, तो फॉर ट्रेची एंड फॉर ट्रेचरी, एंड फॉर ट्राइंग टू किल गॉड, एंड फॉर द स्टीलिंग, एंड फॉर क्या हो जाएगा, फॉर काउजिंग ए वार। तो आपका ऑप्शन नंबर डी है, फॉर काउजिंग ए वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर इज सैटन, सैटन प्रेजेंट इम्प्रेजेंट, तो आपका क्या हेवन है, द मून है, हेल है, अर्थ है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट, हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ सैटन सेकेंड इन कमांड, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, बेलजीबव है, बेलजीब, हाँ बेलजीबव है, माइकल है, म्यूज है, गैब्रियल है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बेलजीब, हाँ बेलजीब, हाँ क्या है, बेल या बेलजीबव, बेलजीबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज डिड ही इट टेक फॉर सैटन, टेक फॉर सैटन टू इस फाइनली स्पीक टू बेल बेलजीबव, तो 2 डेज, 11 डेज, 9 डेज और 15 डेज। आपका ऑप्शन नंबर सी है, 9 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज सैटन से दे कैन यूज अगेंस्ट हेवन इंस्टेड ऑफ वायलेंस, ऑप्शन है इविल, ये ऑप्शन बी में है ग्वाइल,
अब सर से मैं मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन, नेक्स्ट में ब्लैकमेल, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, गुआइल, ठीक है गुआइल। नेक्स्ट प्रश्न है, बी था आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हु हैज़ रिसेंटली लेफ्ट द वुड हाउस होम इन ऑर्डर टू मैरी। ऑप्शन है मिस्टर वुड हाउस, इमाज फादर, मिसेस मिस्टर नाइटली, इमाज ब्रदर इन लॉ, और मिस टेलर, इमाज गवर्नेस एंड हैरियट, इमाज फ्रेंड। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, मिस टेलर, इमाज गवर्नेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डज मिस्टर वुड हाउस रिक्वेस्ट दैट इमा नॉट डबल इन मैच मेकिंग एनी लॉन्गर। तो आपका ऑप्शन है, इमा वाज द वन टू मैच मिस टेलर टेलर एंड विथ हर हस्बैंड मिस्टर वेस्टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमा इज बेड एट चूजिंग मैट्स फॉर हर फ्रेंड्स एंड इमा। नेक्स्ट प्रश्न है, सर इमा हैज़ हर्ट टू मैनी पीपल विद हर मैचिंग एंड इमाज। नेक्स्ट है, इमाज मैचेस ऑलवेज एंड बैडली। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है, इमा वाज वन टू मैच मिस टेलर विद हर हस्बैंड मिस्टर वेस्टर्न, यानी मिस टेलर और वेस्टर्न को मैच मैचिंग में सफल रहा था, पहले कराती। नेक्स्ट प्रश्न है, हु इज द इंटेंडेड टारगेट ऑफ इमाज नेक्स्ट अटेम्प्ट एट द मैच मेकिंग। एल्टन, मिस्टर एल्टन, मिस्टर वुडहाउस, मिस टेलर एंड मिस्टर जॉर्ज नाइटली। आपका आंसर होगा एल्टन, मिस्टर एल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज मिस्टर जॉर्ज नाइटली रिलेटेड टू द वुड हाउस फैमिली। क्या रिलेशन में क्या लगता है मिस्टर नाइटली वुड हाउस जॉर्ज, ठीक है वुड हाउस और नाइटली में क्या संबंध है। सो ही इज द सन ऑफ मिस्टर वुड हाउस सिस्टर, ही इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ इमा सिस्टर। तो ब्रदर इन लॉ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी आंसर, बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज मिस चर्चिल फर्स्ट वाइफ ऑफ मिस्टर वेस्टर्न एंड डिसओन्ड बाय हर फैमिली। शी मैरिड ए मैन दे डिड नॉट अप्रूव ऑफ, शी गॉट ए डिवोर्स एंड शी मैरिड ए मैन बिलो हर सोशल स्टेटस होगा स्टेशन। सो शी गॉट प्रेग्नेंट बिफोर शी वॉज मैरिड। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है, शी मैरिड ए मैन दे डिड नॉट अप्रूव ऑफ। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न है, हु रेस्ट है ना, हु रेस्ट एंड गेव देयर नेम्स टू मिस्टर वेस्टर्न सन चर्चिल। तो मिस चर्चिल्स ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ, ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मिस्टर वेस्टर्न कजन, मिस्टर विड हाउस नेफ्यू एंड मिस्टर वेस्टर्न पेरेंट्स। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मिस चर्चिल्स ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज मिस बेट्स ए फ्रीक्वेंटली विजिटर टू द हार्टफील्ड। हार्टफील्ड, तो मिस बेट्सी इज द डॉटर ऑफ द लोकल विकर एंड मिस बेट्स इज ए गवर्नेस, मिस बेट्स इज द हेड मिनिस्ट्रेस एट द बोर्डिंग स्कूल। आपका नेक्स्ट जो ऑप्शन है, मिस बेट्स इज अनमेरिड वोमेन एंड हु केयर फॉर हर एल्डरली मदर। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो है डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इन द प्रेल्यूड द ऑथर डिस्क्राइब्स द लाइफ ऑफ व्हाट सेंट, सेंट मैरी, सेंट क्रिस्टोफर एंड सेंट थ्रेसिया एंड सेंट जॉन। आपका ऑप्शन नंबर सी है, सेंट थ्रेसिया। नेक्स्ट है थ्रेसिया, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एडवर्ड कॉसबर्न एंड ड्रोथिया ब्रूक। तो आपका क्या हो जाएगा, हस्बैंड,
ऑप्शन नंबर हस्बैंड एंड वाइफ और ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट रिलेशन इज सिलिया एंड सिलिया टू डोरथिया। तो आप ये क्या है, मदर है, आंट है, सिस्टर है, डॉटर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी सिस्टर है दोनों। नेक्स्ट है, व्हाई डज सर जेम्स चेतन चेतन कम्स टू डिनर पार्टी एट टिप्टॉन ग्रेंज, क्यों आते हैं। तो क्या हो जाएगा, टू कॉट कॉट दरजिया एंड टू डिस्कस बिजनेस विथ मिस्टर ब्रूक एंड टू स्टील फ्रॉम द ब्रूक्स ब्रूक्स एंड टू कॉट सिलिया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है, यानी टू कॉट दरोथिया मीन्स डोरोथिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मिस्टर चेतन ऑफर टू डोरोथिया एज ए गिफ्ट। तो क्या आंसर यहाँ पे है, माल्टीज पप्पी, ए बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, एक सिल्क ए स्कार्फ और ए डायमंड रिंग। आपका ऑप्शन है ए नंबर, यानी माल्टीज पप्पी, द माल्टीज पप्पी। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ओपनिंग चैप्टर्स व्हाट इज डोरोथियास चैरिटेबल चैरिटेबल प्रोजेक्ट। ऑप्शन है, राइजिंग मनी फॉर हॉस्पिटल्स, वॉलेंटियरिंग एट द ऑर्फनेज एंड डिजाइनिंग कॉटेज फॉर द पुअर एंड ट्यूटरिंग ट्यूटरिंग स्कूल चिल्ड्रेन। तो आपका ऑप्शन नंबर है सी, डिजाइनिंग कॉटेज फॉर द पुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द बिगिनिंग ऑफ चैप्टर फॉर फ्रॉम वेयर वर वेयर आर ड्रोथिया एंड सेलिया रिटर्निंग। तो ए विजिट टू एडवर्ड कॉसबर्न्स एस्टेट, द मार्केट, द विजिट टू चेतन्स एस्टेट एंड द बैंक। आपका ऑप्शन नंबर है विजिट टू सर चेतन्स एस्टेट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट व्हाट इज द क्रूप हाँ क्रूलेस्ट क्रूलेस्ट मंथ। आपका ऑप्शन हो जाएगा अप्रैल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द क्रूलेस्ट मंथ ब्रीड, लोनलीनेस, लैम्स, लिलैक्स एंड लव। लिलैक्स, तो आपका ऑप्शन नंबर है सी, लिलैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द क्रूलेस्ट मंथ मिक्स टुगेदर, मेमोरी एंड डिजायर, ब्यूटी एंड हार्टेड एंड द पास्ट एंड फ्यूचर एंड लव एंड डेथ। तो आपका ऑप्शन है मेमोरी एंड डिजायर, ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पॉइंट से कीप्स अस वार्म इन द विंटर, स्नो, फायर, होप एंड क्या है, एम्ब्रेसेस। तो ऑप्शन नंबर आपका ए है, स्नो। नेक्स्ट है ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पॉइंट से समर समर डज टू अस। तो ऑप्शन, सरप्राइज अस, लिव अस, लिव्स अस और इंकरेजेस अस एंड बर्थ्स ऑफ। आपका ऑप्शन नंबर है ए, मीन्स सरप्राइजेस अस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द नरेटर स्पेंड हिज समर्स, कहाँ भी अपना गर्मी बिताते हैं। तो देखिए, माल्डा माल्डा हासी एंड एस्टर्न बर्जर सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्जन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेन टेन नो ठीक है, टेनो के टेनो गिज या टेनोन गिज। नेक्स्ट है, यहाँ पे इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए, ऑप्शन नंबर आपका है बी, एस्टर्न बर्गर सी, एस्टर्न बर्गर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द बरियल ऑफ द डेड डेड व्हाट इज ड्रंक एट होम हाँ क्या होप होप गार्डन। तो सीडर, वाइन, कॉफी, विस्की। आपका कॉफी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज एल्सिनोर इन एक्ट वन एंड सीन वन, फ्रांस, डेनमार्क, इटली, इंग्लैंड। डेनमार्क आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइम ऑफ डे इज इट व्हेन द प्ले स्टार्ट, लेट एट नाइट, आफ्टर डिनर एंड नून मॉर्निंग। आपका आंसर है लेट एट नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले व्हाट आर फ्रांसिस्को एंड बर्नाल्डो बर्नाल्डो
बर्नार्डो डूइंग? तो दे आर ऑन वॉच, दे आर फाइटिंग इन अ बैटल, दे आर गेटिंग रेडी टू गो टू स्लीप एंड दे आर ईटिंग अ मील टुगेदर। आपका ऑप्शन नंबर है ए, देयर आर ऑन वॉच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द घोस्ट इन एक्ट वन एंड सीन वन लुक लाइक? तो किंग्स किंग्स एडवाइजर पोलोनियस, किंग एंड द किंग हु जस्ट डाइड एंड द प्रिंस हेलमेट, प्रिंस हेल क्या हेमलेट, सॉरी हेमलेट। तो ऑप्शन नंबर है किम हु जस्ट डाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स डज द घोस्ट अपियर एक्ट नंबर वन और सीन नंबर वन में? 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, मतलब ट्वाइस एंड वंस। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनियो कास्टिगेट्स द बॉट्समैन ड्यूरिंग द स्टॉर्म बिकॉज ही बिलीव्स द सेलर्स आर ड्रंक है, डिसरिस्पेक्टफुल है, स्लगिश है, इनकम्पिटेंट है। आपका ऑप्शन नंबर है ए, ड्रंक है, पिए हुए हैं, ऐसे कहते हैं। तो आप तो देख लिए इसका आंसर, द टेम्पेस्ट इज ए सिम्बोलिक फॉर्म ऑफ द अनविवल फ्रॉम ए स्टेट ऑफ, नेचुरल है, डिगास्ट है और पीस है, हार्म है और पीस है। तो आपका ऑप्शन नंबर नेचुरल हो जाएगा, मतलब नेचर, सॉरी। ओनली ओनली नोबल मैन हु हैज ए काम एंड पॉजिटिव एटीट्यूड ड्यूरिंग द स्टॉर्म एट सी, गोंजालो गोंजालो फर्डिनेंड एंटोनियो अलोंसो। आपका ऑप्शन नंबर गोंजेलो, सॉरी गोंजेलो कहेंगे, गोंजेलो। नेक्स्ट प्रश्न है, द टू स्पिरिट्स हु रिसाइड ऑन द आइलैंड विद प्रोस्पेरस एंड मिरिंडा आर कैल, देखिए पहला है कैलिबन है, कैलिबन एंड ट्रैंकुलो, ट्रेबल एंड ट्रिंकुलो, सॉरी ट्रिंकुलो। एंड नेक्स्ट है ट्रिंकुलो एंड स्टेफनो, स्टेफनो एंड ट्रिंकुलो एंड एरियल एंड कैलिबन एंड एरियल। आपका ऑप्शन नंबर डी है, कैलिबन एंड एरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोस्पेरो वाज फॉर्मली द ड्यूक ऑफ एथेंस, मिलान और कार्थेज, टूनिस। आपका आंसर है क्या हो जाएगा, मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द बिगिनिंग ऑफ दिस प्ले टेक प्लेस, ए रोड टू नंदन, ए रोड टू मार्केट, ए किंग्स पैलेस एंड ए टवर्न। आपका आंसर नंबर सी है, द किंग्स पैलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द किंग वेरी ऑफ एट द बिगिनिंग ऑफ प्ले, ए लैक ऑफ टैक्सेस, अटैक्स फॉर द फ्रांस सिविल वॉर एंड हिज सन्स डिसरिस्पेक्ट। आपका आंसर है सी, सिविल वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्लान हैज द किंग बीन अनेबल टू इनेक्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले? पहला ऑप्शन है होली लैंड क्रूसेड, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए यूनिवर्सिटी, नेक्स्ट है पीस ऑफ ट्रीटी एंड असॉल्ट, क्या है एस एन असॉल्ट फॉर फ्रांस एलिज। आपका ऑप्शन नंबर ए है, द होली लैंड क्रूसेड। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है, वेयर इज मोर्टिमर फाइटिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, फ्रांस में, आयरलैंड में, स्कॉटलैंड में, वेल्स, वेल्स में। आपका ऑप्शन नंबर वेल्स है। नेक्स्ट प्रश्न है, ठीक है नेक्स्ट प्रश्न है क्या, नेक्स्ट प्रश्न है, शेक्सपियर लिव ड्यूरिंग 16th सेंचुरी एंड 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 15th सेंचुरी एंड 15th एंड 14th सेंचुरी। तो आपका आंसर जाएगा ए, 16th एंड 17th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन एंड फ्रॉम वेयर डिड एलियट्स एंसेस्टर्स माइग्रेट टू अमेरिका?
आप यहाँ ऑप्शन पढ़िए और आंसर दीजिए। आपका ऑप्शन या आंसर है इन 1668 फ्रॉम ईस्ट कॉकर इन समरसेट शायर इंग्लैंड। नेक्स्ट, ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1900 एलियट ऑन ए गोल्ड मेडल फॉर जर्मन इंग्लिश संस्कृत एंड लैटिन। आपका आंसर है लैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच यूनिवर्सिटी डिड एलियट परस्यू ए कोर्स ऑफ स्टडीज इन लैंग्वेज एंड लिटरेचर, द क्लासिक जर्मन फ्रेंच इंग्लिश एंड लिटरेचर। तो क्या हो जाएगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और नॉन ऑफ दिस। तो आपका ऑप्शन कहाँ चला जाएगा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्टर 1916, तो पोएम इज अबाउट वार पे बेस्ड है, किसके बारे है, लव है, स्पिरिचुअलिटी है एंड नन है। तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्टर 1916 इज अबाउट ग्रेट वार फाउट बिटवीन, किसके दो बीच में होता है फाइट या वार होता है। तो ऑप्शन नंबर आप देखिए, में ऑप्शन नंबर बी में देखिए, पढ़ लिए होंगे, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, बी है, 1916 बिटवीन आयरलैंड एंड ब्रिटिश रूल इन डबलिंग। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्टर 1916 वाज पब्लिश्ड इन, 16 में पब्लिश हुआ था, 1916 में, 1921 में, 1919 में और 1918 में। तो आपका ऑप्शन नंबर है 1921 में। नेक्स्ट प्रश्न है, सम हिस्ट्रिकल करेक्टर्स ऑफ आयरलैंड वार हैज़ बीन मेंशन्ड विच इज नॉट वन ऑफ देम, मैक डोना, मैक ब्राइड एंड पियर्स एंड मैक डोनाल्ड डोनाल्ड नाल्ड ठीक है, डोनाल्ड ये नहीं है, डी नंबर नहीं है, यानी आपका आंसर डी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबव लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम पोयम ईस्टर, यहाँ तो शो ही नहीं कर रहा है, आपका आंसर यही होगा, क्वेश्चन नहीं शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्लीट नेम ऑफ डब्ल्यू बी यट्स, आपका विलियम बेंटली यट होगा, वेलहम बेंटली यट, विलियम बटलर यट, नॉन ऑफ दिस। और आंसर है आपका विलियम बटलर यट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पोयम द लेक आइजले आइजले ऑफ इनिस इनिस थ्री अपीयर्स इन यट्स, द रोज में, द विंड अमंग द रीड्स में, टावर में एंड नॉन ऑफ दिस। आपका आंसर हो जाएगा रोज में। नेक्स्ट प्रश्न है, नो सेकेंड ट्राई अपीयर इन इट्स द रोज, इट्स द वेडिंग स्टार एंड नेक्स्ट है इट्स इट्स द ग्रीन हेमलेट एंड अदर पोएम, नॉन ऑफ दिस। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, द ग्रीन हेमलेट एंड अदर पोएम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है क्या, सो ईस्टर 1916 सेकेंड कमिंग ए प्रेयर फॉर माई डॉटर आर यट्स पोयम दैट अपियर इन, यानी सेकेंड कमिंग माई ए प्रेयर फॉर माई डॉटर जो अपियर हुआ, पब्लिश हुआ था किस में, द विंड एमंग रीड्स माइकल रॉबर्ट्स एंड डांसर में। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलिंग टू बाइजेंटियम एंड द टावर आर इन ईयर्स, कहाँ पब्लिश हुआ, द टावर में, वेडिंग स्टेयर में, एमंग द रीड्स में एंड सॉन टावर में। सेलिंग टू बेजेंटियन और टावर कहाँ पब्लिश हुआ था, द टावर में। नेक्स्ट है, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस
1802 वाज ओरिजिनली कॉल्ड द लीज गैदरर लमिया डिटर्मिनेशन नॉन ऑफ दिस. आपका आंसर है लीज गैदरर. नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस वर्ल्ड मैन आई मेट ए फ्यू हंड्रेड यार्ड फ्रॉम द माई कॉटेज एंड द अकाउंट ऑफ हिज हिम इज टेकन फ्रॉम हिज माउथ. दिस इज द रेफरेंस दैट वर्ड्सवर्थ गिव्स एंड इट रिजल्टेड इन ए पोयम. सो विच वन मतलब विच पोयम रेजुलेशन एंड इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस एंड द वर्ल्ड इज टू मच विद अस एंड माइकल. तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है रेजुलेशन एंड इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच पोएम वॉज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड लेंसन. लिस गैदर करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ एंड करेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर एंड नॉन ऑफ दिस. आपका ऑप्शन हो जाएगा सी हैप्पी वॉरियर में करेक्टर ऑफ हैप्पी वॉरियर. नेक्स्ट प्रश्न है आपका वर्ड्सवर्थ ब्रदर पास्ड अवे ट्यूबरक्लोसिस हार्ट अटैक एंड स्वीप रेक नॉन ऑफ दिस. आपका क्या हो जाएगा स्वीप रेक्स में स्वीप रेक में. इन द लाइन 1 to 18 द पॉइंट इज एड्रेसिंग होम. किसको करते हैं सिस्टर को मदर को ब्रदर मतलब फ्रेंड को और फादर को. आपका ऑप्शन होगा फ्रेंड को. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ पॉइट्स फ्रेंड प्रीलूड वन लेम कोलेरिस एंड हेजलिट. पॉइट का जो फ्रेंड है कौन है यहाँ पे. तो आपका फ्रेंड है कोलेरिस कोलेरिस होगा. फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन है. देखिए व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी डिड द पॉइट रिकॉल प्रीलूड है हिज लव एसोसिएशन विद रिवर रिवर्स वुड ऑफ द फील्ड एंड बिलो. सेकेंड है बिलोव्ड एंड थर्ड है हिज मदर एंड फोर्थ है वर्ल्ड प्लेजर. आपका ऑप्शन नंबर किस में आएगा ऑप्शन नंबर ए है राइट. एंड हिज लव एसोसिएट विथ रिवर्स वुड्स एंड फील्ड्स. फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये आपको मीन्स आप जो है टेस्ट दे के कैसा फील करते हो. सारे का सारे आपका अगर याद हो जाता है तो 100% आपका जो श्योर है कि आपका सिलेक्शन लिस्ट में रहेगा नाम फर्स्ट में आपका नाम रहेगा. फ्रेंड्स लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें न्यू व्यूअर है तो. और फ्रेंड्स कमेंट करें और बताएं कि आप लोग का नंबर कितना आया. तो फ्रेंड्स थैंक यू. नेक्स्ट हम लोग पांचवा जो हम लोग टेस्ट सीरीज में चलेंगे उसमें मिलते हैं. थैंक यू भाई.